हमारे मुल्क की आधी आबादी है। फेसबुक चैनल अगर हमारे मुल्क की आबादी पाकिस्तान आज रैली निकालने का क्या हमारे बच्चों की आज आलमी तौर पे हमारी बहनों का हक मनाया जा रहा है 10 दिसंबर, लेकिन इस समाज में सेलिब्रेट खवातीन को लेकिन आज लड़कियों को आवाम बच्चियों को यहाँ पे बराबर का इंसान पहुँचा है नहीं समझा जाता। माइनॉरिटी आज को जो है हमारा सबसे पहले वादा किया गया उस पाकिस्तान का ये होना चाहिए कि हमारी बहनों के बाद आज खवातीन जो मैंने बराबर का शहरी नहीं होना चाहिए और उनके हक इसके अलावा हमें ये होता है कि आज फिर जब हम 10 दिसंबर सेलिब्रेट कर आज तो पाकिस्तान के कई हमें हमारा से तालिबान ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। इसी तालिबान ने हमारे कोई 80,000 शहरी मारे जिसमें हमारे बहन भाई हमारे फौजी हमारे एजेंसीज के लोग ये 80,000 लोग हमारे मारे गए। पाकिस्तान को इंतहा पसंदी की आग में झोंक दिया गया उसमें धकेल दिया गया। पाकिस्तान आज का पाकिस्तान जो है वो जिना का पाकिस्तान नहीं है वो इंतहा पसंदों का पाकिस्तान वो तालिबान का पाकिस्तान है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करें और हमें जो जिना का पाकिस्तान था जो सबके लिए था जो आम शहरियों के लिए था हमें पाकिस्तान वादा करें कि रैली हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए आगे लेकर चलेंगे। 70 साल हो गए हैं जो है वो चेयरिंग क्रॉस से शुरू की है प्रेस और यहीं पे के बाद हम खत्म करेंगे। डेट वादा किया था रैली की डेट जारी पाकिस्तान में फंसने वाले रैली हर शहरी के साथ लायमल का बराबरी की बुनियाद हमको क्या मजहब की बुनियाद पर हमको हम ये कहना चाहते हैं पर जो अवाम की जिम्मेदारी है वो अवाम की जिम्मेदारी नहीं की जाएगी। रियासत की जिम्मेदारी हम रियासत की जिम्मेदारी को ये याद दिलाने के लिए आए हैं कि हमें ना तालिबान का पाकिस्तान चाहिए ना अलकायदा का पाकिस्तान चाहिए ना इंतहा पसंदों का पाकिस्तान चाहिए। हमें किसका पाकिस्तान चाहिए? कायदे आजम का पाकिस्तान है। वो आपका भाई है वो आपकी बहन है उसको भाई समझें उसको बहन समझें बराबर का शहरी समझें। सर पाकिस्तान के अंदर है इसके ऊपर गौर फिक्र होगी इंसानियत हकूक के बारे में क्या आप चाहते हैं? इसी के लिए हमने रैली निकाली है कि रियासत को बता सके लेकिन करें हमारे यहाँ जो पाकिस्तान है उसके कानून है वो बिल्कुल नहीं वो माइनॉरिटी नहीं है के लिए कानून पाकिस्तान में हुक्मरानों के तहफ नहीं है वो आवाम के तहफ़ के लिए है। आइन साजी होनी चाहिए पाकिस्तान से कम अज़ कम जो है और जो ख्वाब देखा था करना है कायदा के दहशतगर्द है और ये दहशतगर्द आपको याद रखना चाहिए। 11 अगस्त की तकरीर में जिन्होंने पाकिस्तान का विजन उसने 11 अगस्त 1947 को जाने गवाए आज का पाकिस्तान जाने की गई है हुकूमत उनको मार आई उन्होंने दहशतगर्दी की कार्रवाई में जो कायदेजम ने कहा रूह के जो है वो तहत उस पाकिस्तान को दहशतगर्द वो पार्टी समझते हैं कि जितने भी ठिकाना चेने होना चाहिए पार्टीज हैं उनके साथ यहां मुकाबला किए गए जो उनको आम माफ दी गई मैनिफेस्टो और उनको जेलों से मैनिफेस्टो रिहा किया गया उनको जेलों से पाकिस्तान आ गया। बहुत शुक्रिया कैमरामैन सदामन सारी के साथ एक मर्तबा।